अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी ज़ॉक फूड। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार ज़बरदस्त सी आलू पालक की सब्ज़ी। आलू पालक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू पालक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया था 2 किलो पालक। पालक मैंने साफ़ करके बिल्कुल धो लिया है, 2 से 3 मरतबा पानी में अच्छी तरह मैंने धोया है, क्योंकि ताकि तमाम रेत और कंकड़ वगैरह जो इसमें मिट्टी होती है वो इजीली इसमें से रिमूव हो जाए। अब मैं पालक को बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ लिया है पतीला। पतीले में मैं डाल दूँगी पालक, अच्छे से दबा देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे पानी, 1 लीटर पानी ऐड करूंगी मैं। देखिए पालक भी अपना पानी रिलीज करता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर तकरीबन 1 लीटर और बॉईल करते हैं। तो चलें इसे रखते हैं स्टोव पर, मीडियम फ्लेम पर। पालक को बॉईल होने के लिए रख दिया है, मिलते हैं आपसे 10 मिनट में। चेक करते हैं, देखें पालक बॉईल हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और फिर आते हैं अपने अगले स्टेप पर। देखें पालक छान के मैंने यहाँ रख लिया है। अब मैं डाल रही हूँ देगची में 3/4 कप पीली सरसों का ऑयल। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने देंगे। थोड़ा सा जब ऑयल वाइट होता है तो फिर हम इसमें डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स। चलें वेट करते हैं 2 से 3 मिनट कि एक थोड़ा सा वाइट हो जाए। देखें ऑयल गर्म हो गया है यहाँ पे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है और चॉप कर लिया है। लहसुन जैसे ही थोड़ा सा लाल होता है फिर मैं इसमें डालती हूँ अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। देखें लहसुन लाल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जो कि कुछ यूं है। 1 टीस्पून लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं। अब मैंने डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून पानी मसाला भूनने के लिए, और अच्छा सा मसाला भूनते हैं। फ्लेम मीडियम कर लेंगे, मसाला भूनते हैं और मिलते हैं आपसे 5 मिनट में। 5 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी फिर डालेंगे और अच्छे से मसाले को भूनेंगे। देखें पानी डाल के मसाले को हम भून रहे हैं अच्छे से। 5 मिनट मजीद भूनेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। देखें 5 मिनट हो गए मसाले को मजीद भूनते हुए। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे, जो कि हमने स्ट्रेन करके यहाँ रखा हुआ है। और अब हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देंगे आलू। मैंने 1/2 किलो आलू लिए थे और 1/2 किलो आलू को मैंने बीच में से इस तरह से, पालक के लिए मैंने छोटे आलू लिए थे दरमियाने साइज के, और इस तरह से काट के मैंने 2 कर लिया है। अब हम आलू डाल के अच्छे से भूनेंगे। देखें 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब हम इसे दम पे रखते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो पालक में पानी है उससे आलू भी गल जाए और मजीद मसाला अच्छे से भुन जाए, और फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट में। चलें चेक करते हैं। देखें 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब चेक करते हैं आलू को, आलू गल गए हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी डाल के मैं अच्छे से इसे भूनूंगी। फ्लेम मीडियम है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे और अच्छे से भूनते हैं। 5 मिनट इसे फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर भूनते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखें मेथी डालकर 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए हाई फ्लेम पर। अब हम फ्लेम कर देंगे लो और 5 मिनट के लिए इसे दम पे रखें, बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रखते हैं, मिलते हैं 5 मिनट बाद। देखें 5 मिनट हो गए दम पे रखे हुए, पालक आलू की भुजिया बिल्कुल रेडी है। सर्व करने से पहले हम इस पे लगाएंगे एक हल्का सा भगाड़। भगार बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है फ्राई पैन, और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून मक्खन। 1 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे
और इसमें डालेंगे थोड़े से ड्रॉप्स ऑयल के, ताकि मक्खन अच्छा सा मेल्ट हो जाए। फ्लेम थोड़ा बढ़ाएंगे, मीडियम पे करेंगे। देखिए मैंने भगार बनाया है ऊपर से डालने के लिए। एक टेबल स्पून मैंने लिया है मक्खन, मक्खन में मैंने डाल दी 5 से 6 गोल साबुत लाल मिर्चें और भगार हो गया रेडी। तो चलें दिखाते हैं सर्व करते हुए आपको। मज़ेदार सी आलू पालक की सब्जी स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में तैयार है। इंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। एक नई आने वाली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।